हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है जीतिया व्रत और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के लोग करते हैं और दिल्ली में जो पंजाबी हैं ये टोटली पंजाबी लोग करते हैं। और ये पूरे श्राद्ध में एक यही ऐसा त्यौहार आता है जो शुद्ध होता है, बाकी तो 15 दिन आपको पता ही है अशुद्ध होते हैं, जो पितरों के लिए होते हैं। तो जीतिया की ढेर सारी आप लोगों को बधाइयाँ, और आप लोगों के घर में माताएं बहन व्रत रखी होंगी उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप लोग खुश रहिए, आप लोगों के लिए आपकी माएँ व्रत रखती हैं। बहुत डिफिकल्ट व्रत है, तो इसको आप लोग एंजॉय करिए। और इसको बहुत लोग बहुत तरीके के नाम से जानते हैं, जैसे इसको यूपी साइड में लोग जीतिया के नाम से जानते हैं, अगर आप ये दिल्ली में देखती हैं तो इसको लक्ष्मी जी के नाम से जानते हैं। तो पर सारा कुछ विधि विधान सेम होता है, बट ये है कि नाम अलग अलग होता है। और ये पंजाबी और यूपी बिहार के लोग बहुत ज़्यादा इस व्रत को करते हैं। ये बेटे के लिए होता है, बेटे की लंबी आयु के लिए होता है, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, संतान तो संतान होता है, हमारे नज़र में दोनों बराबर होते हैं, तो उनके लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को जीतिया का ढेर सारा बधाई, और आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि आज तो पूरा अभी चलेगा पूरा डे और फिर नाइट, फिर कल नेक्स्ट डे पूजा इनकी होती है, फिर उसके बाद पूजा पाठ के बाद बिना दूध का खीर बनता है, फिर उसे इनकी पूजा वगैरह होती है, फिर उसके बाद फिर ये व्रत खुलता है। तो 24 आवर्स का होता है ये, 24 आवर्स से ज़्यादा ही हो जाता है, 24 क्या कह सकते हैं, 26-27 तक हो जाता है। तो और अच्छा भी लगता है। तो कल इसका पारण, जिसको बोलते हैं पारण है, आज तो सारी माताएं सारी बहनें जो भी होंगी सब रखी हैं, मैं भी रखी हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को जीतिया की ढेर सारी बधाइयाँ, और आप लोगों को लग नाम। बाय बाय दोस्तों।